नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में काफ़ी सारे मरीज हमको निरंतर कॉल करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वजन बढ़ने के बारे में और कैसे हम इस वजन को कंट्रोल करें। हमारे पास रेगुलरली पेशेंट्स के कॉल आते हैं जो हमसे कहते हैं कि हमने 10 साल पहले या 5 साल पहले आपके सेंटर या किसी दूसरे सेंटर पे मोटापे की सर्जरी कराई थी और अब हमारा कुछ वजन बढ़ रहा है और इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका सोल्यूशन आज मैं आपके सामने बड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आया हूँ कि वेट रीगेन आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी या सर्जरी के बाद वजन बढ़ना, उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। या तो आपकी एपिटाइट बढ़ रही है, आपकी डाइट पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और या फिर आपकी डाइट तो नहीं बढ़ी है लेकिन आपकी एक्टिविटी बिल्कुल लिमिट हो गई है। दोनों के दोनों केसेस में हमें ये देखना है कि अब हमें कितना एडिशनल वेट लॉस करना है। यदि हमें वो एडिशनल वेट लॉस 20 या 25 किलो से ऊपर करना है तो सर्जरी इसका सबसे सही समाधान है और सर्जिकल वेट लॉस सबसे ज़्यादा होता है। यानी आपकी एग्जिस्टिंग सर्जरी, जैसे कि कुछ लोग स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रिक बाईपास कराते हैं, उसको हम फिर से करके पाउच की साइज़ और छोटी करके और बाईपास की लेंथ बढ़ा के उसे कर सकते हैं। पर ये उन्हीं मरीजों के लिए ज़रूरी है जो मरीज बहुत ज़्यादा वजन कम करना चाहते हैं, जो 20 से 25 किलो की रेंज में होता है। पर यदि आप चाहते हैं कि आपका वजन 10, 12 या 15 किलो आपको कम करना है तो उसके लिए हमारे पास एंडोस्कोपिक मेथड्स हैं। एंडोस्कोपिक मेथड में किसी प्रकार की कोई सर्जरी नहीं होती। एक डिवाइस जो कि एंडोस्कोप होता है, आपके मुँह के रास्ते पेट में डाली जाती है और छोटे छोटे पेट में टाँके लेके आपकी पाउच साइज को रिड्यूस किया जाता है। तो इस तरह की जो मशीन है ये इस्तेमाल में ली जाती है, इसको ओवर स्टिच डिवाइस कहा जाता है। और इस मशीन को मुंह के रास्ते से डाल के पेट में छोटे छोटे टाँके लेके पाउच की साइज या पेट की थैली की साइज को पुनः छोटा किया जाता है, जो पहले ऑपरेशन के बाद कुछ बढ़ गई है समय के गुजरने के साथ साथ। ये एंडोस्कोपिक मेथड साधारणतः सुबह आप एडमिट होंगे और शाम को आपको हम छुट्टी कर सकते हैं, 10 से 15 किलो तक वजन आपको कम करके दे सकता है। अब ऐसे पेशेंट्स जिनका की वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 5 से 10 किलो के वेट लॉस की उनकी इच्छा है, वो ड्रग्स मैनेजमेंट पे या मेडिकल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। बाजार में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, जो आप ओरली ले सकते हैं, या कुछ इंजेक्टेबल ड्रग्स भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसका सीमाग्लूटाइड या GLP-1 एनालॉग्स है, जो काफ़ी कॉमनली हम लोग आजकल यूज़ करते हैं और ये ड्रग्स हमारे सेंटर पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं 5 से 10 किलो अगर आपका वेट गेन हुआ है आपकी सर्जरी के बाद। इन शॉर्ट, तीनों तरह के समाधान, सर्जरी, एंडोस्कोपी या ड्रग्स, हमारे सेंटर पे अवेलेबल हैं और आप कभी भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी इन टर्म्स ऑफ आपको कितना वेट लॉस चाहिए या समय गुजरने के साथ कि आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियां वापस आ गई हैं, इसको ध्यान में रख के मैं आपको सही सॉल्यूशन बताऊंगा।